अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। दानी व्यक्ति तो अपने हाथ से दान देकर जाता है, लेकिन कंजूस व्यक्ति तो बिना हाथ लगाए ही सब दान करके चला जाता है। बिना हाथ लगाए उसे हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब छोड़ जाता है। तो वो दान ही ज्यादा है ना। और मुझे तो कई बार लगता है कि हमसे बड़े त्यागी आप लोग हैं। श्रावक जरा बड़ा त्यागी है, मुनि महाराज और साधु त्यागी कम त्यागी हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, हीरे मोती का त्याग, सोना चांदी का त्याग करना बड़ा त्याग है या कंकड़ पत्थर का त्याग करना बड़ा त्याग है? हीरे मोती सोना चांदी छोड़ना त्याग बड़ा होता है, सबको मालूम है। कंकड़ पत्थर का त्याग करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो सहज में छूट ही जाएगा, वो तो हमें बड़े रख लिए इकट्ठे करके उनको भी छोड़ देंगे। तो अब मैं आपसे एक बात दूसरी पूछूं कि भगवान बनना, संत बनना, धर्म धर्मात्मा बनना हीरे मोती सोना जैसा है या कंकड़ पत्थर जैसा है? बोलो ना महाराज। हीरे मोती सोना जैसा, डायमंड जैसा भगवान बनना संत से बड़ी विभूतियां हैं, और हमने वही बनने का त्याग कर रखा है। तो तुमने ज्यादा बड़ा त्याग किया ना। हमने क्या वो संसार की वस्तुएं तो छोड़ी हैं जिनसे कोई सरोकार नहीं था, जो वस्तुएं यहीं की यहीं रहने वाली हैं। तो ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारे अंदर आत्म कल्याण का भाव नहीं है, तुम्हारे अंदर बाह्य वस्तुओं के छोड़ने के साथ अंतरंग से छोड़ने का भाव नहीं है, तो ख्याल करो तुम संसार में ही रहोगे। 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग मुनिराज ने किया, केवल 10 बाह्य प्रकार के परिग्रह छोड़े हैं। 14 अंतरंग के परिग्रह को भी छोड़ना है। 14 अंतरंग के परिग्रह में पहला है मिथ्यात्, और मिथ्यात् को क्यों परिग्रह कह दिया गया? मुनिराज बनने का भाव भी जब आएगा ना, तो सम्मित दशा आएगी तभी बनने का भाव आएगा। मिथ्यात् से निकलेंगे तभी वृत्ति त्यागी सम्मित दृष्टि बनेंगे, मुनिराज बनेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर मिथ्यात् को कह दिया, इसलिए कह दिया कि संसार की चाहो उसे भी छोड़ देना। मगर संसार की तो चाह छोड़ो, मोक्ष की भी चाह छोड़ देना, क्योंकि वो चाहने से मिलता नहीं है। संसार में हर वस्तु का निदान हो सकता है, लेकिन निर्वाण का निदान नहीं होता। राजा बन जाओगे, महाराजा बन जाओगे, बहुत बड़ा वैभव भी प्राप्त कर लोगे निदान से, लेकिन तुम सोचो मोक्ष का निदान हो तो होने वाला नहीं। संसार की वस्तुओं को छोड़ना है तो हमें इतना ही विचार करना। 14 प्रकार के परिग्रह में पहले नंबर पे मिथ्यात् कह दिया, फिर कहा कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 5 हो गए। कसाय तो मुनिराज ने छोड़ दी है, लेकिन संजुलन कसाय उनके पास है। क्षणिक, कभी गुस्सा करेंगे तो क्षणिक गुस्सा करेंगे, ख्याल करना। क्षणिक उनका मान स्वाभिमान आएगा, क्षणिक किसी वस्तु की चाह आ सकती है, क्षणिक उनके मन में माया का भाव आ सकता है। हमें ये समझ में नहीं आता है तो हमारी बुद्धि वहीं चली जाती है, अरे महाराज ने क्यों ऐसा बोल दिया, महाराज ने क्यों हमसे छुपा लिया, महाराज ने क्यों हमसे ऐसा कहा है। क्षणिक आता है क्योंकि संजुलन का साय है, प्रमत्त में बैठे हैं आप, प्रमत्त दशा में नहीं आएगा। लेकिन क्षणिक आने के बाद तुरंत भूल जाते हैं, द्वारा याद नहीं करते हैं, ख्याल करो। तो आप विचार करना, 4 कसाय भी मुनिराज के पास हैं संजलन रूपी, और 9 कसाय, 14 ये परिग्रह हैं। सामान ही परिग्रह नहीं है, कसाय भी परिग्रह है। हास,
रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये सब परिग्रह हैं। अब आप सोचते हो कि महाराज सामान का ही परिग्रह होता है। अगर आप कहते हो हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम नपुंसक हैं, हम हंसते हैं मुस्काते हैं, इनको भी तुमने पकड़ के रखा है तो तुम परिग्रही हो और अभी तुम पार नहीं जा सकते हो। ये तो नेचुरल ही हैं, ये तुम्हारे पास हैं, इनको क्या तुम अपना मान के रखते हो। छोड़ना है, इस भाव दशा से भी बाहर निकलना है। ये विचार करके रखना, स्त्री पुरुष नपुंसक हमने जीवन में अनंत बार बने हैं, इतने बार बन चुके हैं कि उसकी हम गणना तुलना नहीं कर सकते। लेकिन एक बार भी हमने अपने आप को महापुरुष बनाने का सोचा नहीं है, एक बार भी हमने अपने आप को सम्मित रूपी उस दर्शन को प्राप्त करने का विचार नहीं किया। संसार की वस्तुओं में अटके रहे, संसार की वस्तुओं में ही लटके रहे। ख्याल करना, जो तुम्हारे पास धन दौलत है, वो दौलत अगर तुम ब्याज में लगाते हो तो दुगना होता है, व्यापार में लगाते हो तो चौगुना हो जाता है, खेती बाड़ी या जमीन जायदाद में लगा दो तो 100-10 गुना हो जाता है। अगर वही धन तुम्हारे पास जो है, तुमने अगर धर्म कार्य में अच्छे कार्य में लगा लिया तो अनंत गुना फल देकर जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धन से कोई महान नहीं होता है। एक सेठ जी ने बड़ा उपदेश दिया, एक पंडित जी ने बड़ा उपदेश दिया। पंडित जी ने उपदेश दिया कि त्याग करो, बड़ा महान होगे। पंडित जी चले जा रहे थे, रास्ते में सफर करना था, गाड़ी में बैठने के लिए पैसे नहीं थे, गाड़ी वाले ने उतार दिया नीचे। सेठ जी को उपदेश दिया था कि त्याग करोगे तो महान होगे। सेठ जी ने कहा कि चलो मैं अपने साथ तुम्हें गाड़ी पे लेके चलता हूँ। सेठ जी ने पैसा दे दिया, गाड़ी वाला बड़ी लग्जरी में ले गया। जब मंजिल पे पहुंचे, मंजिल पे पहुंचने के बाद सेठ जी उतरे और पंडित जी से पूछा, क्यों पंडित जी, बड़े त्याग की बातें कर रहे थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, गाड़ी से उतरना पड़ गया, कहाँ गया तुम्हारा त्याग? तुम कहते थे त्याग से नैया भव से पार हो जाती है, त्याग से संसार से पार हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे त्याग से हुआ क्या, तुम गाड़ी में भी नहीं बैठ पाए। पंडित जी ने कहा, सेठ जी ठीक कह रहे हो। पंडित जी ने कहा, ठीक कह रहे हो कि हमारे पास पैसा नहीं था, मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा, तुम्हारे पास पैसा था तो तुम्हें गाड़ी से पार करा दिया, इस भूल में नहीं रहना। पंडित जी ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि तुमने अपने पैसे का त्याग किया तब तुम वहां से यहां तक आ पाए, पैसे अंटी में रखते ना तो तुम्हें भी वो गाड़ी से नीचे उतार दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। त्याग से मान होगे, पैसों से मान नहीं होगे। पैसे वाले तो बहुत पड़े हैं, गुवाहाटी में कमी नहीं है, आसाम में कमी नहीं है, पूर्वोत्तर में कमी नहीं है। अभी देखूंगा सूर्या पहाड़ का पंचकल्याणक होगा तब कौन है सूरवीर। ख्याल करके रखना, सूरवीरों में भी देखा जाए तो सूरवीर ताकतवर में 100 सूरवीरों में 1,000 लोगों में 1 सूरवीर होता है। ख्याल करना, पंडितों में भी देखा जाए तो 1,000 में 1 पंडित होता है। और तो और आगे जाकर अगर हम देखने का प्रयास करते हैं कि वक्ता भी हर कोई नहीं बनता है, 1,000 पंडित तो बन जाते हैं लेकिन बोलने की कला ही नहीं आ पाती है। 100 सूरवीरों में 1 पंडित बहुत ज़्यादा विद्वान होता है। 100 सूरवीर एक तरफ हो जाएं और 1 विद्वान एक तरफ, वो 100 सूरवीरों को परास्त कर सकता है। लेकिन 100 पंडित एक तरफ और 1 वक्ता एक तरफ, पंडित बोलता रहे सुनता रहे, सुनेगा कौन, बोलने की कला ही नहीं मालूम है। 100 पंडितों में 1 वक्ता होना बहुत बड़ी बात होती है। ख्याल करना, वक्ता का मतलब है वो अपने आचरण से अपनी चर्चा से लोगों को समझा सकता है। ज्ञान है तुम्हारे पास लेकिन बोल नहीं पाते हो तो कैसे समझाओगे। ख्याल करना, और तो और कह दिया, 1,000 वक्ता एक तरफ और 1 दातार आ जाए ना तो दातार और उससे भी महान हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। सूरवीरता अपनी बाहर मत दिखाओ,
जब अच्छे कर्म करने का मौका आए, कोई वस्तु को त्याग करने का मौका आए, तब अपनी शूरवीरता दिखाने का प्रयास करो। तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तब तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आने वाला होगा। नहीं तो हम इतना ही हैं, संसार में सभी दुखी हैं। जिन्होंने त्याग नहीं किया वो अपने जीवन में ज़्यादा दुखी हैं। और हम त्याग कब करते हैं? जब हमें कोई डॉक्टर कह देता है कि हम ये चीज़ों का तुम्हारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, तब तुम त्याग करने का सोचते हो। मैं आपसे कहूँगा, समय रहते रहते त्याग कर लेना, समय रहते रहते अपने जीवन को समझ लेना। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुमसे सब छुड़ा लिया जाएगा। ख्याल करो, तुमने अगर नहीं छोड़ा तो तुमसे छुड़ा लिया जाएगा। इसलिए जितना तुम्हारे पास तुम्हारा है त्याग कर लो। मैं आपसे कहूँगा, मौका मिले तो छोड़ना मत, मौका मिले तो छोड़ देना। धन की तीन गति हैं, दान करो, भोग करो, या नाश हो जाएगा। जो दे दिया सो ले लिया, जो छोड़ दिया सो सर फोड़ दिया, जो खा लिया सो पा लिया। तुम्हारे पास जो कुछ है ना, उसको छोड़ने का प्रयास करो, उसको त्याग करने का प्रयास करो। वो तुम्हारे जीवन का व्यवस्थित जीवन होगा। अन्यथा होगा क्या? सिकंदर इस जहां में था, हौसले आली थे। सिकंदर इस जहां में था, हौसले आली थे, और जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। ख्याल करो, लोग दान करते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं हम गुप्त रूप में दान करते। एक कंजूस व्यक्ति था। कंजूस व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है वो बातें बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन दान कुछ नहीं करेगा। और तो और कई बार ऐसा हो जाता है कि कंजूस व्यक्ति दूसरे को देता देखता है तो भी उसके मन में भाव आ जाता है, क्यों दान कर रहा है, उसको इसी में दुख हो जाता है। ख्याल करो, हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम अपने जीवन में जो छोड़ेंगे वो ही हम पाएंगे। संसार में कंजूस व्यक्ति के पास गए समाज के लोग कि भाई दान कर दो कुछ। उसने कहा मैं दान कर देता। उसने चेक बना दी और दे दी। चेक बना के देने के बाद समाज के लोगों ने साइन, नहीं मेरा दान तो गुप्त दान में, साइन कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा। अरे बाबा, ऐसा दान किस काम का? साइन नहीं करोगे तो चेक से पैसा किस काम का आएगा? हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना है, हमें अपने जीवन को समझने का प्रयास करना है, हमें अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को लाने का प्रयास करना है। जो तुम्हारे पास है उसके चार हिस्से करने का प्रयास करो। एक, कर्ज उतारने में लगाओ। दूसरा, कर्तव्य पालने में लगाओ। तीसरा, अपने जीवन के यापन में लगाओ। और चौथा, जो अपना अर्जन का साधन है उसे अच्छे कार्य में लगा दो। कर्ज उतारने में अपने माँ बाप की खुशी के लिए पहला उपयोग करो धन का। दूसरे नंबर पर कर्तव्य, अपने बच्चों का पालन करने के लिए उपयोग करो। तीसरे नंबर पर अपने बिजनेस व्यापार के लिए उपयोग करो। और चौथे नंबर का जो अर्जन का धन है उसे अच्छे काम में लगाते चले जाओ। आज भले ही वो अच्छे काम का दिखेगा नहीं, लेकिन उसका फल जो मिलेगा वो तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत ऊंचाइयों के साथ होगा। बाहर के शिवरार्थी अपने घर मकान दुकान शहर का त्याग करके आए, पूरे समय हर क्षण उनको ऐसा पुण्य स्रोत मिल रहा है। अगर मैं तो कहूँगा, अगर अभी चौथा काल होता तो मुझे लगता दो चार पांच गुवाहाटी से ही मोक्ष चले जा रहे होते, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि इतनी साधना, 32-32 उपास की साधना और ऐसी भाव, तुमने घर परिवार का त्याग किया, तुम यहाँ तक आ गए। और हमने जो छुल्लक जी और छुल्लका माता जी ने थोड़ा और त्याग किया तो वो वहाँ तक आ गए और ऊपर आ गए। आरका माता जी और मुनि महाराज ने और त्याग किया तो और ऊंचे उठ गए। हमने कोई ज़्यादा त्याग नहीं किया, हमारा त्याग हुआ महाराज का त्याग में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हमारे को एक आचार का पद दे दिया गया तो और ऊपर उठ गए और संसार की चीज़ों को छोड़ दिया। और जैसे ही और कर्मों को छोड़ें तो और ऊपर अरहंत तो सिद्ध में चले जाएँ, तो कोई आश्चर्य की बात
ख्याल करना त्याग से ही आगे बढ़े हैं। एक दीवार बनाने वाला मिस्त्री भी ईंट रखता जाता है, छोड़ता जाता है, तो वो दीवार बनती जाती है और वो ऊपर उठता चला जाता है, उठता चला जाता है। इस सामान सा भोजन जो तुमने छोड़ा वो तुम्हारे शरीर को पूज बना दिया। अगर तुम्हारे अंदर से राग द्वेष का त्याग हो जाए, कसाय का त्याग हो जाए, तुम्हारे अंदर से बाह्य की प्रवृत्ति का त्याग हो जाए, तो देवता भी तुम्हें पूज बना दें, देवताओं भी तुम्हें पूजने आने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, जितना जितना त्याग होगा उतना उतना महान बनोगे। सम्मान का त्याग कर दो, मुझे नहीं कराना सम्मान, तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकता। मुझे तो आज तक कभी कभी ये लगता है वो भोले लोगों पर दया भी आती है कि मोबाइल के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं, गुरु छोड़ देते हैं, स्वाध्याय छोड़ देते हैं, प्रतिक्रमण छोड़ देते हैं, मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उपवास करने के बाद भी पूजा चल रही है लेकिन उनका मोबाइल भी चल रहा है नीचे बैठे बैठे। चलो मोबाइल में भी कोई अच्छी चीज़ आ रही हो तो बात अलग है, मोबाइल में वही गलत चीज़ें जिनसे मन खराब हो रहा है, जिनसे मन की प्रवृत्तियाँ दुष्प्रवृत्तियाँ हो रही हैं, त्याग करो। उसके बाद देखना, त्याग में वैराग छिपा है, त्याग में वैराग छिपा है। और जैसे जैसे तुम्हारा त्याग होगा, आचार्यों ने कह दिया चक्रवर्ती की संपदा भी चक्रवर्ती के बेकाम की है, लेकिन एक त्रियंच भी अगर त्याग करता है तो चक्रवर्ती से भी ज़्यादा पूज्य हो जाता है। तो तुम बहुत महान बनोगे, नहीं तो संसार में जी रहे हो, जीते रहोगे, जीने ही देगा संसार, लेकिन हम अपने घर में, परिवार में, या शहर में, या समाज में रहें, कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में परेशान कर रही हैं, जो हमारे जीवन में दुखदाई हैं, उनका त्याग करो। चार प्रकार के दान, आहार दान, औसत दान, अभय दान और शास्त्र दान। साधुओं को आहार देना आहार दान है, जो आहार दान देते हैं उनके घर में कोई लोग भूखे नहीं रहते हैं। शास्त्र दान, जो शास्त्र दान करते हैं, शास्त्र छपाते हैं, उनके घर में बुद्धू बेटे पैदा नहीं होते हैं। जो अभय दान, साधुओं के लिए धर्मशाला संत निवास बनवाते हैं, वो कभी भी जाएं तो भटकेंगे नहीं। और औसत दान देने वालों के घर में बीमार लोग पैदा नहीं होते हैं, ये विचार करके रखना। करुणा दान भी है, हर जीवों को करुणा दान दो, हर जीवों के लिए करुणा दान है। उत्तम पात्र को दान देने से तीर्थंकर को पहला आहार देने वाला उसी भव से मोक्ष चला जाता है। महापात्र को आहार देना उत्तम है, जगन पात्र को आहार देना मध्यम, जगन मध्यम है, मध्यम पात को और जगन पात को आहार देना जगन है। आप समझकर अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं, त्याग करें, नाम की चाकरी भी त्याग करें, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित हो। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर अपने परिवार के साथ